पाकिस्तान की मीडिया को एक बात समझ में आ गई है शुभमन गिल को देख के कि बाबर आजम विराट कोहली तो छोड़िए, शुभमन गिल का भी घंटा नहीं है। और जैसे ही आईपीएल के क्वालिफायर टू में शुभमन गिल ने तूफानी पारी खेली, वैसे ही पाकिस्तानी मीडिया ने ऐलान कर दिया कि अगर विराट कोहली के बाद कोई किंग कहलाने लायक है तो वो शुभमन गिल है, बाबर आजम नहीं। पाकिस्तानी मीडिया में बैठे पैनलिस्ट ने गुस्से में कहा कि क्या बाबर आजम शुभमन गिल की तरह एक टांग पर आकर डिसबैलेंस होकर छक्का मार सकते हैं? जिस दिन वो ऐसा छक्का मार देंगे हम मान जाएंगे कि बाबर आजम शुभमन गिल के 10% भी हैं। जाहिर सी बात है बाबर आजम अधिकतर पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेलते हैं, शतक मारते हैं तो 60 गेंदों में जाकर। वहीं शुभमन गिल ने तो आतंक ही मचा दिया सिर्फ 50 गेंदों में शतक लगा के, और उन्होंने लगभग जितने भी शतक लगाए हैं 60 से कम गेंदों में लगाए हैं, और जिस तरह से वो इनिंग्स को कैरी करते हैं वो अब बाबर आजम नहीं कर पाते। और यही बात पाकिस्तानी मीडिया को समझ में आ गई है और उन्होंने ये बात मान ली है कि बाबर आजम विराट कोहली तो छोड़िए, शुभमन गिल के सामने भी कुछ नहीं है।